तेंदुआ ने जूनागढ़ के मांगरोल तालुका के खोलड़ा गांव में दो व्यक्तियों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे और एक बूढ़े व्यक्ति को इलाज के लिए पहले मांगरोल सरकारी अस्पताल भेज दिया गया, जिसके बाद उनको केशोद के अस्पताल में रेफर किया गया था। वर्तमान में सड़क पर एक पेंगोलिन के हमले के कारण खोलड़ा गांव में भय का माहौल है। फिलहाल वन विभाग और मांगरोल मरीन पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। वर्तमान में जंगली जानवर पानी की तलाश में छोड़ शहर की तरफ आ रहे हैं। मांगरोल तक के राजस्व क्षेत्रों में जंगली जानवरों को देखा जा रहा है और मानव पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। आज एक अन्य घटना मांगरोल के खोदड़ा गांव में हुई है। पिता और पुत्र सुबह अपने खेत पर जा रहे थे, जब पिता और पुत्र पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तेंदुआ वहां से भाग निकला। विशेष रूप से खोदड़ा गांव के लोगों द्वारा वन विभाग को मौखिक रूप से सूचित कर दिया गया है और गांव में शेर और चीता बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए शेर और चीता समय समय पर जानवरों को भी मार रहे हैं। इसी के साथ कार्रवाई की मांग भी की गई है, लेकिन ग्रामीण सिस्टम की ढीली नीति के कारण ये सारे शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 इंडिया, मांगरोल।